हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं और यशिदा यश तो सुबह सुबह काम करते हुए मिल रहे। तो इतना अच्छा मौसम हो गया था तो हम दोनों एक बार उठ के सीधा ऊपर आ गए ये देखने के लिए कि बारिश कैसी थी पूरी रात, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा इतनी बारिश थी। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं है, यश को पता हो तो नहीं पता। यश पता था इतनी बारिश हो रही है रात को? एक नंबर के झूठे, ऐसी नींद में सोते हैं ये। तो इतना मस्त मौसम हो गया है, मस्त चक चक, और यश को उठते हुए काम पे लगा दिया है। तो हम दोनों भी आ गए हैं ऊपर। थोड़ी बहुत कहीं पानी ब्लॉक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार यहाँ से पानी ब्लॉक हो गया था तो पूरे रूम में पानी आ गया था। तो अभी हम वही देखने आए हैं। तो मैं जाती हूँ नीचे, आज तो मेरा नाना वगैरह सब बाकी है, क्योंकि ऊपर वाली टंकी में पानी भी ख़त्म है, एक बूंद भी पानी नहीं है। तो मैं जाती हूँ नीचे और यश उधर भी सफाई अभियान करने का। इनके भी सारा सफाई अभियान का बहुत है। तो मस्त मौसम हो गया है, मन नहीं कर रहा है नीचे जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। तो अब मैं जाती हूँ नीचे। तो इतना अच्छा मौसम हो गया है आज का, मस्त। और यहाँ पे यश आ गए हैं चाय लेके, और अपने तो दूध भी बाकी है पिता। मस्त। तो फिर आज मेरे को लेके छोड़ने जा रहे हो खेड़ा? तो मैं हो गई रेडी। ऊपर टंकी में पानी नहीं था बिल्कुल, नीचे आके नाना पड़ा। इसके बाद ऐसा हुआ कि पता नहीं कुर्ते में क्या, पता आज कुर्ता पहना तो बहुत अजीब ही लग रहा था, फिर जाके वापस नया कुर्ता पहना। इसलिए दो बार मेरा ऊपर नीचे हो गया। और थर्ड फ्लोर पे जैसे मैं गई थी, आपने देखा क्या मौसम हो गया सुबह सुबह, मतलब इतना अच्छा एनर्जी आ गई हूँ ऊपर जाके। एक एनवायरनमेंट है, अलग ही होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे बन गई है रबड़ी सुबह सुबह। आप सोच रहे होंगे हमारे घर पे रोज रबड़ी क्यों बनती है, लेकिन ऐसा है कि आजकल दूध ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारे एक मासी हैं, उनका दूध भी हमारे घर ही आ रहा था। तो अब वो आ गए हैं, वो अहमदाबाद गए हुए थे उनके घर पे, तो वो आ गए हैं, तो अब मैनेजमेंट हो जाएगा दूध का। तो हमने फाइनली आज सोचा कि आज भी हम रबड़ी बना देते हैं। तो यहाँ पे रबड़ी हो गई है, और कुछ इस तरह की कंडीशन है किचन की। तो मेरे तो दूध भी बाकी है, तो मैं एक बार दूध पी लेती हूँ, फिर किचन की सफाई वगैरह करती हूँ। और पीछे का मौसम भी मस्त हो गया, और ये दोनों आज नहाए। मिट्टू मिट्टू, तो इन दोनों की भी आज नई नई हो गई है। तो अपन करते हैं दूध, और इसके बाद आज विचार है खेड़ा जाने का। तो अब देखो क्या होता है। आज कितने टाइम से मैं मिनिमम 23 तारीख से प्लान बना रही हूँ, खेड़ा रहने जाओ। तो मेरा भाई इतना डांट रहा था, बोल रहा था कि तेरे जीबान के कोई ठिकाने नहीं है, कब आओगे, ये निपुन। तो आज देखती हूँ अगर खेड़ा जाने का प्लान बन गया तो आज तो खेड़ा जाऊंगी। यहाँ नहीं है यश, कानू का है? कानू अंदर नहीं है? उधर आए थे। वापस बोल एक बार। तो कानू और यश कर रहे हैं मस्ती, और अपन बनाते हैं खाना। तो मेरे और यश के लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पे खिचड़ी, और मम्मी और पापा के लिए शेगारी आटा मैंने लगा दिया है। तो आज है पूनम, इसलिए मम्मी पापा का व्रत है। तो यश ने बोला कि कुछ लाइट फूड ही बना दो, कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं है, तो मैंने सोचा खिचड़ी बना देती हूँ। तो एक बार फटाफट से खाना बना देती हूँ। क्या खा रहे हो? दो दिन से यश इनके हाथों से आम ले रहे थे, तो आम कैसी लग रही थी? खट्टी। और आज मेरे हाथ स्पर्श होते मेरी आम हो गई मीठी। देखो जादू है इन हाथों में, क्या है बंडलबाज, क्या बंडलबाज। तो आज मेरा खेड़ा जाना कैंसल हो गया फिर से। आज
23 तारीख से आज हो गए 4 तारीख से यश की वजह से कैंसिल हो गया। आप नहीं जा रहे, मैं रोज बोल रहा हूँ जाओ। चलो मेरे को रख के आओ, चलो चलो ये फटाफट खा के अपन चलते, चलो ठीक है। पक्की बात, प्रॉमिस, वादा, प्रॉमिस करो, तो प्रॉमिस करो। रोना की बुआ है कल सुबह, ये देख भेजना इनको नहीं है और कहा है सारे। तो यहाँ पे हम खाना खाने बैठ गए, खाने में बनाई है खिचड़ी और देसी छाछ। तो यश आज देसी छाछ का मजा लेंगे कि नहीं लेंगे? अच्छी लगती है आपका कपिल शर्मा? एक कपिल शर्मा शो के मेंबरशिप ये बराबर देखते हैं सारा कपिल शर्मा शो। मजा के एक और दो के यहाँ पे खिचड़ी खाते एक बार, फिर दीदी वगैरह आने वाले हैं, वो तो शाम को ही आएंगे। तो हाँ मैं मेरा बैग पैक तो करती हूँ कल जाने के लिए, कल सुबह पक्का लेके जाऊँगी, ठीक है क्या? एक बार खिचड़ी खाता फिर लग जाता। तो मैं कर रही थी रेस्ट और अभी यश का फ़ोन आया कि आपको मम्मी पापा खेड़ा छोड़ने जाने वाले हैं। ऐसा मैं भी एक बार शॉक हो गई कि सुबह तो दीदी और जीजू आने वाले ऐसे ही ऐसे बोल रहे थे और अचानक से क्या प्लान बन गया। मैंने दीदी को भी फ़ोन किया था लेकिन दीदी ना बोल रहे कि आज इनके कुछ काम है इसलिए सेट नहीं हो पा रहा। तो मैं जा रही हूँ खेड़ा, तो एक बैग तो मैंने दो दिन पहले ही पैक कर दिया था और दूसरा बैग अभी मैं पैक कर रही हूँ। तो फाइनली मेरे मुहूर्त आ गया खेड़ा जाने का, तो मैं एक बार से फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ फिर जाती हूँ नीचे। तो दुखी इंसान मैं जा रही हूँ खेड़ा, तो यश बहुत दुखी हो गए इस बात को सुन के। वह रो क्यों रहे, इसमें क्या रोना पड़ता है? बहुत रोना आ रहा है मेरे को, मैं आ जाऊंगी इसमें क्या रोना पड़ता है? वह चेहरा दिखाओ क्या, वह रो मत। वह तो मैं जा रही हूँ खेड़ा इसलिए यश थोड़े नर्वस हो गए। मैं ना कह रही हूँ आप रो मत ही, पर लेकिन मन ही मन में रो रहे हैं। चलो मेरे को छोड़ने आ रहे हो? तो यश तो अपना काम कर रहे हैं, तो पापा और मम्मी हमको मेरे को छोड़ने आ रहे हैं, हमको नहीं छोड़ने आ रहे हैं। मैं अकेली ही जा रही हूँ और यश मेरे को लेने आएंगे। आओगे लेने मेरे को?